मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था वृद्धि विकास विषय के अंतर्गत आज हमने अब तक जो है व्यक्तिगत भूमिकाओं को देखा था। व्यक्तिगत भूमिकाओं में वो व्यक्तिगत भूमिकाओं के अंतर्गत बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्रों को हमने देखा था। उसने पलायन करने वाले परिवारों के बालकों को देखा, जाति वर्ग, दलित वर्ग को देखा। आज हम देखने वाले हैं जनजातीय समुदाय, यानी कि जाति। जनजातीय समुदाय क्या है? सबसे पहले तो हमें इसको समझना है कि जनजातियां होती क्या है। जनजातियां ये वह समुदाय है जिस जो एक निश्चित भूभाग पर निश्चित रीति रिवाज, परंपराओं, पहनावा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, एक कानूनी दृष्टिकोण से, जिनका कि अपना स्वयं का कानून नियम होते हैं, उस क्षेत्र में एक जैसा होने जिनका होता है, उन्हें हम जनजातीय समुदाय कहते हैं या जनजातीय कहते हैं। ये जनजातियाँ बेहड़ जंगलों में निवास करने वाली होती हैं, बेहड़ जंगलों में है, पहाड़ों पर है, या फिर सीमांत प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ जो जातियाँ होती हैं वे जनजातियों के नाम से जानी जाती है। जनजातियों की विशेषता क्या है? होती क्या? क्योंकि ये निश्चित है कि हमारे समाज का एक अंग है, लेकिन समाज की मुख्य धारा से जुड़ना पसंद नहीं करते। इसीलिए इनकी जो सबसे पहली विशेषता है, इनका एक पृथक कानून होता है, जिस पृथक कानून होता है, इनकी एक दंड व्यवस्था अपनी अलग निश्चित होती है, और इनका मुखिया समुदाय का ही कोई सदस्य होता है। यदि कि बाहरी किसी व्यक्ति के शासन को ये स्वीकार नहीं करते हैं, समुदाय का ही कोई व्यक्ति होता है जो इनके इनका मुखिया होता है। इनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है, धर्म व्यवस्था होती है, यानी कि ये जैसे हम कहते हैं कि भारतीय संविधान की व्यवस्थाएँ हैं, उनको ये उतनी तवज्जो अब तक नहीं देते थे, लेकिन चूँकि ये शिक्षा से जुड़े नहीं थे, समाज इसीलिए उनके यहाँ पर इनका अपना कानून भी आज भी दिखाई देता है और चलता है। दूसरी विशेषता है कि निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, मतलब कि इनका निवास स्थान होता है इतना एक निश्चित भूभाग होता है। बेहड़ जंगल होते हैं या पहाड़ियों पर निवास करते हैं, या फिर दो राज्यों की सीमाओं के सीमांत प्रदेश पर निवास करने वाली ये जातियाँ जनजातियाँ हैं, या इनकी विशेषता होती है। तीसरी जो बात है इसमें वो है समाज की मुख्य धारा से कार्य करते हैं। इसीलिए ये आत्मनिर्भर होते हैं, अन्य के ऊपर निर्भर
गया है पारसी। पारसी विशेषता यह है कि इनकी अपनी भाषा, संस्कृति पहनावा, यानी कि ये इनका अपना अलग होता है, कि इनकी अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपना पहनावा होता है। इनमें एक चीज और है कि इनका अंतर विवाही समूह है, साथ ही इनका जो है आपस में भी ये अपने ही सीमा में, अपने ही दायरे में रहते हैं। यानी कि पहली चीज तो इनके अंदर विवाही समूह है, ये किसी अन्य स्थिति उसमें नहीं जाना पसंद करते, उसका अपने ही दायरे, यानी कि इनके अपने समूह जो होते हैं, एक समूह की व्यवस्थाएं और दूसरे समूह की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन एक समूह की जो व्यवस्था है वो उसी समूह की होगी, दूसरे समूह उसको नहीं अपनाएगा, और दूसरे समूह की जो विशेषताएं हैं या व्यवस्थाएं हैं वो पहले वाला समूह नहीं अपनाएगा। अर्थात कि अपने में अपने दायरे में ही रहना और सिमट के रहना पसंद करते हैं, यानी कि स्वयं जनजाति है लेकिन एक जनजाति दूसरी जनजाति के क्षेत्र में न तो जाना पसंद करती है, न उनकी सीमाओं को, उनको अपनी सीमाओं के अंदर आना पसंद करती है। इसी कारण से ये जो जनजातियां हैं, जब ये समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग रहते हैं, इनका अपना कानून होता है, इनका पहनावा, वेशभूषा, खान पान सब कुछ इनका अलग होता है, निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, अंतर विवाही समूह में या आपस में भी इनमें निश्चितता होती, इसकी वजह से कहा जाए तो ये चूंकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं पसंद करते, शिक्षा के क्षेत्र से भी ये वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, और इनके विकास की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ती है। और जो व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं तो ये इनकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी व्यवस्थाओं की वजह से ये समाज में इनके बालक, इनके परिवार एक अलग पहचान, एक अलग भिन्नता लेकर समाज के बीच में आते हैं। अर्थात अगर हम मुख्य धारा से जोड़कर, अब क्योंकि वर्तमान में इनको मुख्य धारा से जोड़ने के समस्त प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी के कारण जब ये एक कक्षा में आकर बैठते हैं तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के लिए इनके जो विशेषताएं हैं ये उत्तरदायी होती है, या इनकी विशेषताओं की वजह से ये अन्य बालकों से भिन्नता दिए होती है। इसके साथ ही दूसरा जो हमारा आज का एक टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार, या संयुक्त एवं एकल परिवार, नहीं संयुक्त परिवार ही कर लेते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि संयुक्त परिवार होते क्या है। संयुक्त परिवार समझाने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक परिवार जिसके अंदर दादा दादी, माता, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, चाचा सब निवास, एक जगह निवास करते हैं, जिनका खाना एक रसोई में, एक किचन में बनाया जाता है, वो परिवार संयुक्त परिवार के नाम से जाने जाते हैं, या उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार, हालांकि वर्तमान में परिवारों का जो विघटन है वो बहुत तेजी से होता जा रहा है, इसीलिए संयुक्त परिवारों की जो परिभाषा है अब उसमें परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि अब पहले जैसे बड़े संयुक्त परिवार नहीं होते। संयुक्त परिवार में भी अब हम देखें, एक परिवार जिसमें कि चाचा ताऊ वगैरह सब साथ में रहते, एक परिवार में केवल दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे रहते, तो एक कहना चाहिए कि संयुक्त परिवार जो है वो भी बालक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। उसकी वजह से बालक के विकास में, बालक की प्रगति में बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक एकल परिवार में बालक सिर्फ अपने ही सीमित माता पिता के साथ में रहते और व्यवस्थाएँ जो सुधार करता है, और जो संयुक्त परिवार के अंतर्गत बालक दादा दादी, चाचा ताऊ आदि के बीच में रहकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबके साथ में मिलकर बैठकर सुन सीख सकता है, उनका अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, हर बात को समझ सकता है। तो यानी कि एक
परिवार ऐसी व्यवस्था है जो कि बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। तो संयुक्त परिवार में यहाँ पे क्योंकि संयुक्त परिवार अब वर्तमान में विघटित होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके एक जो व्यवस्था है संयुक्त परिवार में हुआ करती थी वो उनके आधार पर जो विकास बालक का होता था, अब उस पर परिवर्तन आने लगा है क्योंकि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा। अब विघटन के बहुत सारे कारण हैं। निर्धनता भी एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि परिवारों में निर्धनता है, गरीबी बढ़ रही है, तो एक संयुक्त रूप से रहने वाले परिवारों के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई, इसलिए अपने परिवार को लेकर अलग स्थान पर चले जाकर और अपनी स्वयं के परिवार की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का के कारण भी संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। अगली बात आती है यातायात और संचार के साधन। यातायात और संचार के साधन जो है इनमें वृद्धि हुई है और इसकी वजह से एक कहना चाहिए कि जीवन सरल और आसान हो गया है, क्योंकि पहले एक समय था जब यातायात और संचार के साधनों की उपलब्धता नहीं थी तो परिवार सदस्यों को आपस में मिलने जुलने में बहुत समस्या उत्पन्न होती थी, इसी वजह से वो अपने परिवार से हटकर अलग होकर कहीं जाना पसंद करते, लेकिन अब ऐसा है व्यक्ति कहीं भी जाएगा एक दिन में तो दूसरे दिन तो अपने घर पहुँच जाएगा और संचार के माध्यम से वो नियमित रूप से अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ा रह सकता है, उनकी रोज खबर प्राप्त कर सकता है, इस वजह से भी संयुक्त परिवार से अलग होने में किसी को कोई संकोच नहीं होता हो अलग। उसके बाद में पाश्चात्य शिक्षण संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जिसकी वजह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव परिवारों पर इतना अधिक पड़ता है कि जो परंपरागत जीवन पद्धति है शैली है उसमें वो निवास करना पसंद नहीं करते, ऐसे में परिवार से अलग हो जाने में अपने अपना सुख की अनुभूति होती है, इसलिए ये संयुक्त परिवारों का विघटन इस कारण से भी बढ़ता चला जाता है। अगली बात आती है व्यक्तिवादिता की भावना का विकास। व्यक्तिवादी भावना का विकास भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि व्यक्तिवादिता व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है अन्य के बारे में नहीं सोचता है, संयुक्त परिवारों में ये व्यवस्था कतई नहीं चलती है, इसे व्यक्ति को सबके बारे में सोचना आवश्यक होता है। फिर महिला शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा बढ़ती चली जा रही है तो इसकी वजह से भी शिक्षित महिलाएं संयुक्त परिवारों के बीच में समायोजन नहीं कर पाती हैं और ऐसे में वे परिवार से अलग होना पसंद करती हैं। अगली बात जो आती है यहाँ पर वो है पारिवारिक कलह। विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे हम मान सकते हैं कि पारिवारिक कलह है। इन सब जो कारण हैं इन कारणों के आधार पर जो हमारी परंपरागत संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी उसमें विघटन आता जाता है।
ढूंढे जा रहे हैं जो कि बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। मैं आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ।